हेलो दोस्त, आज मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जिसके पास कंप्यूटर और लैपटॉप है। कुछ लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि क्योंकि आज मैं दिखाने वाला हूँ आपका पीसी और लैपटॉप को कैसे फास्ट करा सकते हैं। तो चलिए दोस्त शुरू करें। सबसे पहले आपका पास लैपटॉप और कंप्यूटर जो भी हो उसको ओपन कीजिए। उसके बाद या सर्च बॉक्स में आइए, यहाँ पे टाइप कीजिए, पहले परसेंटेज उठाइए, उसके बाद या टेम लिखिए, TEMP, फिर उसको परसेंटेज उठाइए। उसके बाद दिखाई दे रहा है या टेम फाइल, टेम फोल्डर आ गया, इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए ये बहुत सारे आपका पीसी और लैपटॉप में बहुत सारे फाइल होगा। ये फाइल आप डिलीट कर देना क्योंकि ये फाइल आपका पीसी और लैपटॉप में कोई काम में नहीं आते हैं। ये बहुत कुछ आपका पीसी और लैपटॉप को स्लो कर देते हैं। मैं अभी अभी यह सब कुछ डिलीट कर दिया, इसलिए मैंने ये क्लोज कर देता हूँ। आपको बार आपका पीसी और लैपटॉप में बहुत सारे यह फाइल होगा, आप इसको डिलीट कर देना। डिलीट करके बाद में यह क्लोज कर देना। बाद में आपका डेस्कटॉप में जाइए, इस तरह से होता है फाइल। उसके ऊपर देखिए व्यू फाइल कंप्यूटर एंड व्यू, इसको सिलेक्ट कीजिए। पहले जैसे सिलेक्ट किया ऊपर में देखिए ये मैनेज आ गया, ये मैनेज में क्लिक कीजिए। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज क्लीन अप, इसको ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ। पहले देखिए दोस्त, ये सी फाइल को ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि हमारा जितने सारे सॉफ्टवेयर है वो सी फाइल में सी ड्राइव में होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए दोस्त, थोड़ा टाइम लेगा। दोस्त मैं ये स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा। आप इस तरह से क्लियर कर लेना। देखिए दोस्त ये कितना परसेंटेज हो रहा है, मैं ये स्टॉप कर देता हूँ। आप इसे कंप्लीट कर लेना। उसको बाद डी फाइल को क्लिक कर लेना, डी फाइल को सिलेक्ट करके फिर ऑप्टिमाइज में आना। उसके बाद यहाँ डी आना, ऑप्टिमाइज कीजिए। मैं पहले कर लिया इसलिए ये डेट दिखाई दे रहा है, तो मैं ये फाइल नहीं कर रहा हूँ। अब इस तरह से कर लेना, सभी फाइल को इस तरह से सिलेक्ट करके ऑप्टिमाइज कर लेना। उसके बाद ये ऑप्टिमाइज होने से जब हो जाएगा फिर उसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करके फिर यहाँ क्लीन अप में आना। मैं ये ड्राइव सी सिलेक्ट किया, क्लीन अप में आया। देखिए कैलकुलेटिंग थोड़ा टाइम लेगा। ये आपका पीसी और लैपटॉप का डाटा का ऊपर डिपेंड करता है कि
कि आपका पीसी और लैपटॉप में बहुत सारे डाटा है तो थोड़ा टाइम लेगा। देखिए दोष आ गया, इस तरह से जितना सारे फाइल है इसको मार्क कीजिए, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, इसको मार्क कीजिए, इसको मार्क कीजिए, बाद में यह ओके हमारे इसके डिलीट फाइल कीजिए। देखिए दोस्त उसको बाद ड्राइव डी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करना, उसको बाद फिर क्लीन अप में जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए, ओके मारिए, डिलीट फाइल, उसको बाद इधर सिलेक्ट कीजिए, क्लीन अप में जाइए, सिलेक्ट, ओके, डिलीट फाइल। फिर आपका पीसी और लैपटॉप में जितना सारे ड्राइव है इस तरह से सिलेक्ट करके इस तरह से कर लेना। उसको बाद ये इसको क्लोज कर देना। बाद में आपका पीसी और लैपटॉप का जो रिसाइकल बिन है उसको इस तरह से राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन इस तरह से एम्प्टी कर लेना। मैंने पहले कर रखा है इसलिए मेरे इसमें कोई फाइल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जितना सारे फाइल होगा उतना आपका पीसी और लैपटॉप बहुत स्लो कर देगा। सो इस तरह से आपका इस तरह से कर लेते थे तो बहुत आपका पीसी और लैपटॉप बहुत फास्ट हो जाएगा। सो इस तरह से अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।